सर, सारे भाइयों राम राम भाई। हमारे साथ पुलिस प्रशासन जुड़ गया है। 24 घंटे से, पिछले 24 घंटे से जींद रोड तक जाम था, पूरा रोड जाम कर रखा था। ट्रैफिक भी वाले जितने थे सब परेशान थे। मामला था चांदी गांव के सरपंच की, डेड बॉडी मिली क्रेटा कार में। बाकी पूरे गांव का और परिवार वालों का सीधा सीधा आरोप था कि ये एक हत्या है, एक्सीडेंट दिखाने की कोशिश करी जा रही है। लेकिन भाई टोटल मामला तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ही था, भाई कौन कैसे है, भाई किस तरह मरया है या एक्सीडेंट है, हादसा है, जो भी है वो तो हर चीज़ जांच हर पहलू से प्रशासन देखने लग रहा है। लेकिन टोटली फिलहाल क्या है कि भाई जाम खुलवा दिया गया है। जनाब हमारे साथ कृष्ण कुमार जी जुड़ गए हैं, तो सर सबसे पहले तो जय हिंद। जय हिंद जी। जय हिंद जनाब। जय हिंद जी। सर देखो, आपके ऊपर तो सीधे सीधे हर जगह आप देखते हो सवाल उठते हैं, लोग कहते हैं ये हो गया वो हो गया, ये किस नज़र से देखा? क्रेटा कार का जो हाल है, परिवार जिस तरीके से कह रहा है कि भाई ये एक्सीडेंट नहीं है, तो सबसे पहले तो पहली नज़र तो प्रशासन ही देखेगा। सबसे पहले पहुँचे भी आप हो गए और जाम भी आप लोगों ने ही किसी न किसी जिम्मेवारी पर खुलवाया है। देखो ये प्रथम दृष्टया तो ये एक्सीडेंट का है, जो गाड़ी में जो नुकसान हुआ है और लकीली हमने जो ट्रक है जिसको पीछे से कार ने हिट किया था उसको भी हमने रिकवर कर लिया है, उसके ड्राइवर से पूछताछ की है और कुछ जो इस गांव के कुछ व्यक्ति थे उनको भी हमने उनसे पूछताछ में शामिल किया। वो देख ट्रक जो है जिससे एक्सीडेंट डायरेक्ट हुआ है वो मिल गया, उसका ड्राइवर भी था है। हाँ, उसका ड्राइवर भी हमने कल ही ट्रक को रिकवर कर लिया था और ड्राइवर से भी हमने पूछताछ की और उसका जो मैकेनिकल इंस्पेक्शन है वो अभी बाकी है, लेकिन जो उसके अंश यहाँ टूटे हुए मिले हैं उसको हमने उसके मिलान करके देख लिया है, तो वो बिल्कुल जो ट्रक था वही ट्रक है जिसमें इस कार को कार ने हिट किया है। तो क्योंकि परिवार वालों को एक अंदेशा है कि भई हमारे इसकी हत्या हुई है, कोई षड्यंत्र जगह इस तरह का इनका कहना है, तो हमने मुकदमा 302 में दर्ज कर दिया है और हम हत्या के एंगल से भी इसकी जांच कर रहे हैं। जनाब जिस तरीके से गांव वाले जिद पे उड़े थे भाई गिरफ्तारी दो, जो पूर्व सरपंच है अमित मदान उसको अरेस्ट करो, तो सर उसके ऊपर क्या चल रहा है? नहीं देखो, हमने इनको बिल्कुल पहले ही हमने इनको क्लियर कर दिया था कि जैसी जैसी जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो एविडेंस हमारे को मिलेंगी उनके आधार पर ही आगे कार्रवाई की जाएगी, किसी निर्दोष के खिलाफ कोई गलत कार्रवाई किसी सूरत पे नहीं की जाएगी, किसी प्रेशर में नहीं की जाएगी। हाँ, जो जायज़ बनती है उसके लिए हम प्रयासरत हैं। कल सुबह से ही हमारी टीमें जो हैं, चाहे वो CCTV फुटेज है या हमने टावर डंप है वो हमने उठा लिए हैं और बाकी कुछ और फुटेज अभी आज दिन में हमारी टीम लगी हुई है, तो हमें उम्मीद है कि दोपहर बाद तक हम इसमें काफ़ी है, इसमें वादे होते हैं, इसमें एक साफ तस्वीर हमें मिल जाएगी। इसलिए मुद्दे एक मेरा पर्सनल सवाल है पुलिस प्रशासन से, ऐसा क्यों होता है कि हर मामले में जहाँ भी कुछ होता है तो एक ही चीज़ सुनने को मिलती है, पुलिस पैसे खागी, पुलिस बिगी, प्रशासन बिग गया। मुद्दे ऐसी क्या कमियां हमारे अंदर हैं, हमारे प्रशासन के अंदर, कि हर जगह हमें पर्सनली ये चीज़ें सुननी पड़ती हैं और ये हम भी जैसे प्रेस वाले भी ये चीज़ें भुगतते हैं सामने से, हम क्योंकि हमारे आगे लागे पब्लिक रोती है वो खा गया ये खा गया, कल भी ऐसे यहाँ इस मैटर को लेके भी खुल्लम खुल्ला बात चल रही थी, प्रशासन बिक गया, मनीष ग्रोवर का हाथ है, खट्टर के रिश्तेदार हैं, नारेबाजी सरेआम थी, प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करेगा क्योंकि वो तो बड़े नेताओं के अधीन है। नहीं नहीं, ये बेबुनियाद बातें हैं और वो उनकी किसी की अगर कोई इस टाइप के कोई आरोप लगा रहा है तो उनकी व्यक्तिगत सोच है और ये इन जनरल इस टाइप के आरोप लगा देते हैं। अगर कोई स्पेसिफिक हमें कोई शिकायत प्राप्त होती है तो हम उसमें सख्ती से उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये उनका कोई व्यक्तिगत तौर पे कोई कुछ भी आरोप लगाए तो उसका कोई औचित्य नहीं रहता और ना वो निराधार बात होती है। पुलिस प्रशासन के ऊपर इस तरह के आरोप हर रोज़ लगते रहे हैं, डेली ये आरोप रोज़ लगते हैं, सर कुछ तो होगा, कुछ होगा नहीं? वो तो मैं तो अज्ञानता ही कहूँगा कि भाई उनमें
कम्युनिकेशन गैप है या शिक्षा की कमी है कि उस टाइप की वो कई सुनी बातें वो आरोप लगा देते हैं। बाकी हमें कोई स्पेसिफिक कोई शिकायत प्राप्त होती है तो हम सख्ती से उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं और उसको ऐसी जगह नहीं रखते कि जहाँ पब्लिक डीलिंग में उसको, तो ये एक और इसके ऊपर तो हमारा स्पेशल ध्यान है कि भाई हर तरह से निष्पक्ष और साफ सुथरा हमारा जो कार्य चली रहे और बिल्कुल निष्पक्षता के साथ और ईमानदारी के साथ सभी कार्य करते। कोई भी अधिकारी, पुलिस अधिकारी, अगर प्रशासनिक कोई भी आदमी अगर रिश्वत में फंसता है तो क्या हमारा जो भाई पुलिस फोर्स है उसको बचाने में लग जाती है या भाई भ्रष्ट कोई हो उसको रगड़ा जाना चाहिए? नहीं, भ्रष्टाचार में कोई भी लिप्त है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सर इस मामले में भी पर ये प्रेस की तरफ से रिक्वेस्ट है और पूरे चांदी गांव के और समाज की तरफ से भी, क्योंकि कितनी दुनिया इस तरह से रोज भाई पुलिस के ऊपर आरोप लगाती है, तो इस मामले को तो प्लीज़ प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन करके यहाँ दूध का दूध पानी का पानी प्लीज़। हमने जो भी है बिल्कुल इसमें जितनी इन्वेस्टिगेशन हुई है उन लोगों से अभी तक शेयर की है और वो काफ़ी हद तक संतुष्ट हैं और हमारी बात से संतुष्ट होकर उन्होंने फैसला लिया है कि भाई हम इसका अंत्येष्टि के लिए लेके जा रहे हैं। 11 जनों की जो टीम बनाई है, कमेटी तैयार करी है गांव वालों ने, सर उसका क्या कार्य रहेगा? वो आपसे मिलते रहोगे इस मामले के ऊपर, बस इतना है? हाँ, उनको कोई ये संदेह ना रहे किसी भी प्रकार का कि भाई जो भी हम कह रहे हैं जो इन्वेस्टिगेशन में सामने आ रहा है हम उनसे शेयर करते रहेंगे ताकि उनके जो एक विश्वास उनमें पैदा हो और उनको सच्चाई से वो अवगत रहें और दूसरे लोगों को भी बताएं कि सच्चाई क्या है। कोई भी पत्रकार साथी भाई जितने भी मौजूद हैं, विभाग भाई, कोई भी अगर कोई भी क्वेश्चन जनाब से अगर हो तो आप कर सकते हो, वरना मेरी बाइट से ख़त्म है भाई साहब। तो भाई जनाब सभी संतुष्ट हैं आपकी कार्रवाई से, लेकिन हमारी पर्सनली ये रिक्वेस्ट है इंसानियत के नाते कि वो करो जो देश के लिए और हरियाणा के लिए और हमारे समाज के लिए सर्वोपरि हो। थैंक यू सर। बिल्कुल अच्छी बात है, धन्यवाद, हम उसी प्रकार से कार्य करते हैं। थैंक यू। जय हिंद जनाब। जय हिंद। तो भाई लो आप अपना सामान सर। जनाब जनाब ले भाई। तो भाई जिस तरीके से हमने प्रशासन से सीधे सीधे सवाल करे हैं और प्रशासन ने प्रॉपरली ये चीज़ें हमें समझाई हैं, बताई हैं कि भाई क्यों है ये एक्सीडेंट, ये एक्सीडेंट है, अगर इसमें अगर कोई भी शक की गुंजाइश इनको लगती है तो मुझे लगता है शायद प्रशासन अपने पुरजोर से कार्रवाई कर रहा है, क्योंकि हमने पर्सनली भी जब किशन कुमार जी से बात करी तो उन्होंने सीधे सीधे कहा था भाई हमें भी दुख है, एक जवान लड़का गुजरा है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो भाई। सारे भाइयों ने राम राम, जय हिंद जय हरियाणा, सत्य में हो जाते हैं।